एसपी ने वारदात से किया इनकार, कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। भाजपा नेता नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई से साध्वी प्राची नाराज है, बोली सच बोलने से कई लोगों को मिली है सजा, सच परेशान हो सकता है पराजित। साध्वी प्राची ने कहा, हर सनातनी नूपुर शर्मा नवीन जिंदल के साथ किसी में हिम्मत हो तो वैसी को करे गिरफ्तार। बुलंदशहर में बेबस मां मदद की लगा रही है गुहार, दो बच्चे गंभीर रूप से बीमारी से जूझ रहे हैं, इलाज कराने में लाचार है परिवार। दोनों बच्चों के इलाज में 2,34,00,000 रुपए का खर्च आएगा, परेशान परिवार पीएम मोदी, सीएम योगी और आम जनता से मदद मांग रहा है। गोरखपुर में पुलिस ने साइबर ठगों को किया है गिरफ्तार, शेयर बाजार में रुपए इन्वेस्ट कराकर मुनाफा कमाने का देते थे लालच। युवक की तत्परता से हुआ साइबर ठगों का खुलासा, खाते में वापस आए पैसे, डीआईजी ने खुलासा करने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा की। देहरादून में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी, प्रेमनगर के सात विंग इलाके की घटना, मुजफ्फरनगर के प्रेमी के साथ रहती थी युवती। प्रेमिका की हत्या के बाद थाने पहुंचा आरोपी सुमित, पुलिस के सामने जुर्म कबूला, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। टिहरी के मुकुल सिलसवाल ने प्रदेश में किया है टॉप, मुकुल को हाईस्कूल में मिले 99% अंक, कल घोषित हुआ था उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। वाराणसी के अशोका इंस्टीट्यूट में मेधावी छात्र छात्राओं को दिया गया टैबलेट, छात्रों में दौड़ी खुशी की लहर। आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव नामांकन करने के बाद पहुंचे मुबारकपुर, यहां उन्होंने अरबी विश्वविद्यालय में स्थित हाफिज ए मिल्लत की मजार पर चादर चढ़ाई। लखनऊ में सपा और भाजपा विधायकों ने खेला क्रिकेट, केटी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित हुआ मैच। धर्मेंद्र यादव के साथ दुर्गा प्रसाद यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, इस दौरान धर्मेंद्र यादव ने कहा, उम्मीद है कि आजमगढ़ की जनता जरूर उनके साथ खड़ी रहेगी। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की खतरनाक लैंडिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, और लैंडिंग की वजह से कई पर्यटक जान बचाने के लिए भागते नजर आए। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा टला है, केदारनाथ का ये वीडियो 31 मई का बताया जा रहा है। चमोली के जंगल में फिर से धधकी आग, बद्रीनाथ वन प्रभाग के नंदप्रयाग रेंज के जंगलों में लगी आग। आग बुझाने के लिए वनकर्मी मौके पर पहुंचे, चट्टानी हिस्से में आग लगने की वजह से वनकर्मियों को हो रही है दिक्कत। उत्तराखंड के चंपावत में गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, मरने वाले परिजनों को 2,00,000 रुपए के मदद का ऐलान। देहरादून में नकली दवाइयां बनाने वालों के खिलाफ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है, अब तक 5 लोगों को किया गया है गिरफ्तार, मामले में कई और लोगों की हो रही है तलाश। केदारनाथ यात्रा पर 131 घोड़े और खच्चरों की मौत के बाद प्रशासन की कार्रवाई, पालतू पशुओं के बीमार और ज्यादा सामान ले जाने पर 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। खटीमा के सुरई वन रेंज में आदमखोर बाघ की तलाश तेज हो गई है, बाघ को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर सर्वे के लिए गई बीआरओ की टीम का विरोध, लोगों ने हाईवे पर बाईपास बनाने का किया विरोध। नैनीताल में कार पार्किंग में पैसों के दुरुपयोग होने पर आयुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों को लगाई है फटकार, काम में तेजी लाने की कही है बात। सीतापुर में तलाक का अनोखा मामला आया सामने, पुलिस के सामने एक शख्स ने अपनी पत्नी को तलाक दिया, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तलाक देने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया। सहारनपुर के देवबंद में कहा सुनी के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए, पथराव हुआ, एक महिला समेत कई लोग जख्मी हुए। देवबंद में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। इटावा में चंबल की रेत पर घड़ियालों और मगरमच्छ के बच्चे अठखेलिया करते हुए दिखाई दिए, डीएफओ ने लोगों से अपील की है कि वो नदी के किनारे ना जाए। डीएफओ ने बताया कि अंडों की देखरेख के लिए मगरमच्छ और घड़ियाल दे रहे हैं पहरा, अब तक 1,000 घड़ियाल और 200 मगरमच्छ के बच्चे अंडे से बाहर निकल चुके हैं। जयप्रकाश नारायण का सिताब दियरा गांव आज भी विकास से महरूम है, जेपी के नाम पर बना राष्ट्रीय संग्रहालय चालू नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की, जेवर एयरपोर्ट के पास सेक्टर 29 में पत्रकार उपवन के नाम से वृक्षारोपण किया। धारचूला से चंपावत जा रहा एक वाहन हादसे का शिकार हो गया, अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी गाड़ी, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। बुलंदशहर में युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, वीडियो में एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दिए लोग। मेरठ में दबंगों ने ट्रैक्टर से गिराया घर, विरोध करने पर लाठी डंडे फावड़े से हमला किया, फायरिंग भी की। सहारनपुर में ट्रैक्टर साइड लगाने को लेकर दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी, युवक की पिटाई के बाद दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया।
बदायूं में हैरान करने वाला मामला सामने आया। अस्पताल की मोर्चरी में रखे शव की आंख गायब हुई, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाए। मेरठ में सामने आया लव जिहाद का मामला, सुहेल नाम के युवक और उसके परिजनों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। प्रतापगढ़ में व्यापारी को गोली मारने वाले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, दो बदमाश के पैर में लगी गोली, तीसरा फरार। कॉम्बिंग में तीसरे को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच हो गई मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। एक बदमाश हुआ घायल, दूसरा मौके से फरार। गोरखपुर में आबकारी विभाग की टीम ने कच्ची शराब के ठिकानों पर छापा मारा और माफिया फरार हुए अवैध शराब को नष्ट किया गया। गाजियाबाद की लोनी में हुई बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने कर दिया है खुलासा। बुजुर्ग की दूसरी पत्नी ने संपत्ति की लालच में पति को उतारा मौत के घाट। सहारनपुर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, नगर आयुक्त ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी, लगाया जाएगा भारी जुर्माना। मथुरा में पुलिस का शराब माफियाओं पर कड़ा प्रहार, यमुना एक्सप्रेसवे पर आम से भरे ट्रक में अंग्रेजी शराब की 312 पेटी बरामद। अल्मोड़ा में पुलिस ने की ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अवैध स्मैक की बड़ी खेप को पकड़ा। बुलंदशहर पुलिस ने गोपाल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, ससुर साले और ससुर के बहनोई ने मिलकर दामाद की गर्दन काटकर निर्मम हत्या की। बिजनौर में प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के भाई ने युवक को मौत के घाट उतारा, हत्या के बाद हुआ फरार, पुलिस ने भाई को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गोरखपुर में आबकारी विभाग की टीम ने कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी की, अड्डों को चलाने वाले शराब माफिया हुए फरार, टीम ने अवैध शराबों को नष्ट किया। बाराबंकी में जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, निर्माण पर बुलडोजर गर्जा, अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। उन्नाव में 13 साल की लड़की की हत्या का मामला आया है सामने, नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।